तो दोस्तों, कई बार हम अपने रिश्तेदार जैसे कि बहन या फिर अपने भाई से लड़ते रहते हैं और यही लड़ाई हमारे जीवन में बर्बादी का कारण बन जाती है। किसी प्रकार का वाद विवाद हमें हर तरह की परेशानियों में लेकर आता है। हमेशा हमारे जीवन में कुछ ऐसी मुश्किलें लेकर आता है जिनसे कि हम उबर नहीं पाते हैं और ये परेशानियाँ हमारे जीवन में किसी तरह की धन समस्या या फिर किसी तरह के कारोबार समस्या या फिर हमारे शरीर से जुड़ी होती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यही जानकारी जो कि आपकी बहन से जुड़ी हुई है। किसी प्रकार का वाद विवाद आपकी चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके आप किसी रिलेशन हो, कुछ भी हो, अगर ये ख़राब रहते हैं और आपके झगड़े हमेशा बहन के साथ होते रहते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझें यह परेशानी आती क्यों है। जब भी हमारी कुंडली में बुध नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी कि खराब अवस्था में हो, जैसे कि अगर आपकी कुंडली में बुध भाव नंबर 3 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, 9 में बैठा हो या 12 में बैठा हो, तब ऐसे केस में बुध नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव बुध हमेशा हमारी बहन, बुआ, मौसी या जमीनी जायदाद या फिर शारीरिक कुछ ना कुछ नसों नाड़ियों संबंधित प्रॉब्लम या फिर पूरी चमड़ी पर कहीं ना कहीं कोई एलर्जी, रैश, इस तरह की चीज़ें देती है। और यही परेशानी हमारी ज़ुबान पर भी आती है कि हम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार हम किसी को कुछ अच्छे से समझाना चाहते हैं और सामने वाले को वही बात बुरी लग जाती है। आप बोलना चाहते हो कुछ, सामने वाला समझता है कुछ। आप बिजनेसमैन हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बोल चाल से आपका काम है तो वो नहीं बनता है। तो यही सब परेशानियाँ कहलाई जाती हैं बुध की परेशानियाँ। और ये परेशानियाँ व्यक्ति देखिए, एक तरफ से तो वो ये कहता है कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, मैं किसी के लिए ख़राब नहीं करता हूँ, पर वो घर में, परिवार में कहीं ना कहीं अपनी बहन से लड़ता है और यही बहन से लड़ाई करना उसके लिए परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि बहन ही बुध है और बुआ ही बुध है, मौसी ही बुध है, बिटिया ही आपकी बुध है। अगर आप इनका सम्मान नहीं करोगे, इनसे किसी ना किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ोगे, ये आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां लाएंगी जो कि आपकी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स से जुड़ी हो। जैसे कि आप कोई काम धंधा करते हो तो आपके काम धंधे पर चोट आएगी। आप कुछ भी पैसों की अगर लेन देन करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। इस तरह की परेशानियाँ आपके फाइनेंशियल मैटर्स में होती हैं और बुध हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी होती है तो अचानक से होती है। सही समय पर व्यक्ति की बुद्धि काम ना करे, ये होता है बुध। तो बुध आपके इस तरह से, बुध का उपाय भी बुध के जरिए ही होता है। जैसे कि बुध को सही करने के लिए बुध की कारक चीज़ें ही हम पक्षी को देते हैं जाके, जैसे कि कबूतरों को। अगर मान लीजिए हम अपनी बहन से ही लड़ेंगे, बहन से ही किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़े रहेंगे तो हमारे बुध के जो असर अच्छे आने चाहिए वही खराब हो जाएंगे। ज़मीन जायदाद का कोई झमेला है, कोई आपका फाइनेंशियल मैटर अगर बहन के साथ कोई अटका हुआ है तो आप ये किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करिए कि उसका हक ना मारा जाए। देखिए, आजकल तो कानूनी दायरों के तहत बहुत कुछ है कि बहन को देना पड़ता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा भी होता है, पर कई बार यही विवाद कहीं ना कहीं बहन के साथ एक लंबा विवाद बना देता है और एक तरह से दिल से निकली हुई भड़ास, एक जिसे हम कहते हैं नकारात्मक बातें, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुखों को ख़राब करके दुख लेकर आती है। इसलिए बहन के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए, जो उसका हिस्सा है, जो उसका हक है, उसको ज़रूर दीजिए। देखिए, आप जीवन में एक तरफ से देंगे तो दूसरी तरफ से आप डबल कमा लेंगे, इसलिए कभी भी किसी के हक और किसी के भी किसी के निवाले की तरफ मत ध्यान दीजिए कि हाँ अगर ये मिल जाए तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा होगा। वो आपके लिए फ़ायदा नहीं, कहीं ना कहीं आपका जी का जंजाल बन सकता है। तो बुध को सही रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको बुध संबंधी इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं कि हाँ आपका बुध कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो इस तरह से आप एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला, ये देखिए स्टेनलेस स्टील का छल्ला है, इस तरह से स्टेनलेस स्टील का छल्ला अपनी छोटी उंगली में धारण करिए। ये दो छल्लों का उपाय होता है, एक छल्ला आपको पहनना होता है, एक छल्ला आप अपने आसपास घर के आसपास कहीं पर मंदिर या फिर आपके यहाँ जल का स्रोत है तो वहाँ पर आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए या फिर आप इसे मंदिर में किसी मूर्ति के पास या फिर दान पात्र में डालकर आ सकते हैं ताकि ये आपका एक बुध शुभ असर का हो जाए। बाकी जो दूसरा छल्ला है उसे आप अपनी छोटी उंगली में वहीं पर बैठकर पहन लीजिए। ये सिंपल सा तरीका है, बुधवार या शनिवार के दिन होता है और ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला कोई
सुनने में तो बहुत ही एक मामूली सी बात लगती है कि हाँ स्टेनलेस स्टील का छल्ला, पर यह आपके बुध के उपाय के लिए होता है क्योंकि छोटी उंगली बुध है और यह स्टेनलेस स्टील जो कि शनि से देखी जाती है, शनि और बुध का जैसे ही मेल होता है आपके बुध के असर अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ, आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए और देखिए किस तरह से आपका जीवन बदलता आपको खुद से महसूस होगा। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।